जे बूटे ते दरख्त च फर्क जानना ना शेरा फिर राजपूतां दी जड़ां नाल पंगे लेना छड्ड दे। तो भाइयों हमारी बहन प्राची राणा शेरनी थी शेरनी, क्योंकि उसके नाम के पीछे राणा लगा हुआ था। के राणे बड़े दलेर हुंदे आ, बड़े बड़े फनकार इन्हां दे अगे ढेर हुंदे आ। राणाओं का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते थे, राणा कौम ही ऐसी है। तो भाइयों जे उसी कौम से थी, उसी क्षत्रिय कौम से थी जिसे हिमाचल में एक महान क्षत्रिय पृथ्वी चंद काटोज ने जन्म लिया। तो भाइयों 14वीं सदी में उस महान वीर योद्धा ने मोहम्मद बिन तुगलक को हराया। कैसे हराया आप सभी सुने। तो भाइयों मोहम्मद बिन तुगलक जब वो दिल्ली का सुल्तान बना तो वो हिमाचल के जरिए आगे चाइना वाले हिस्से को जीतना चाहता था, लेकिन चाइना जीतने के लिए उसको हिमाचल पार करना था और हिमाचल में बैठे थे उसके आका रायपूत शेर, पहाड़ी रायपूत। तो भाइयों उसने 100,000 की सेना कांगड़ा पर चढ़ाई करने के लिए भेजी। कांगड़ा पर उस वक्त पृथ्वी चंद काटो जी का राज था। उनके पास केवल 500 सैनिक थे और आसपास की रियासतों के मिलाकर 1,000 सैनिक कांगड़ा में अड़ गए। जब उन्होंने चढ़ाई की तो ऊपर चढ़े हुए रायपूत सैनिक पहाड़ों से लिपटे हुए और पहाड़ों में जमे पले। कहते हैं कि उन्होंने पत्थरों तीरों से बौछार कर दी ताकि उसको गलती का एहसास हो सके कि उसने हाथ किस पे डाला है। तो भाइयों इतनी बुरी तरह से हराया क्षत्रियों ने, 100,000 की सेना को केवल 1,000 क्षत्रियों ने हराया। उन्होंने ऐसे हराया क्योंकि वो पहाड़ों पर चढ़े हुए थे, उन्होंने नीचे इतनी बौछार कर दी, हमला कर दिया कि वो ऊपर चढ़ ही नहीं पाए। और पहाड़ी राजपूतों को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। तो भाइयों आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि फिर पृथ्वी चंद जैसे योद्धा इस वीर क्षत्रिय कौम में जन्म ले सके।